पाकिस्तानी करते हैं सबकी कॉपी, वो कॉपी पूरा कॉपी भी ठीक से नहीं कर पाते, कॉपी नंबर वन कभी आ नहीं सकती, वो बनना चाहते हैं रेप्लिका बन जाते हैं लेकिन वो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूँ मानसी एंड स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है फिर से एक बार पाक पब्लिक के रिएक्शन और रिव्यू के ऊपर। टाइटल है जो वीडियो का वो है व्हाई दी वर्ल्ड रिस्पेक्ट इंडिया बट नॉट पाकिस्तान। ओके, ये एक मेजर क्वेश्चन है, बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर पहले भी बन चुके हैं। ऐसे इस तरह की बातें होनी तो नहीं चाहिए कि क्यों इसका मतलब आप रिस्पेक्ट करते हो किसका, क्यों इस कंट्री की नहीं करते हो, बट फिर भी चलो देखते हैं कि कैसा है वीडियो, क्योंकि लोगों ने काफ़ी देखा है। ये 8 दिन पहले ही आया था, अच्छे व्यूज़ भी इसमें, देखते हैं कि क्या बोला है पाकिस्तानी लोगों ने खुद के देश के बारे में और इंडिया के बारे में इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं रिएक्शन वीडियो। नाइशा बहुत ही प्यारा नाम है। नाइशा, मुझे ये बताओ कैसी क्या वजह है कि पाकिस्तानीज और इंडियंस को इंटरनेशनल लेवल पे इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता? व्हाट आई बिलीव इज ह्यूमैनिटी इज व्हाट इंटरनेशनली दे फिगर आउट के वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनर्स एज वेल। तो वी पाकिस्तानीज एंड इंडियन सम हाउ लैक दैट, हमें नहीं पता कि हाउ टू सिट पब्लिकली, हाउ टू रिस्पेक्ट वेमेन, हाउ टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स। तो चूंकि हम अपने मुल्क में भी वो रूल्स फॉलो नहीं करते, तो व्हेन यू गो अब्रॉड वी ब्रेक देम सम हाउ, वी डोंट शो दैट वी आर सिविलाइज्ड। तो इस पॉइंट के हवाले से आई फील लाइक दिस कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई वी आर नॉट रिस्पेक्टेड अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तानी एक्चुअली अपनी हरकतों की वजह से सबसे पहले मशहूर हैं, इसलिए लोग उनको ज़्यादा अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते, लेकिन अब आके पाकिस्तान की वर्थ कहीं ना कहीं बनना शुरू हो गई है। अब आके लोग पाकिस्तान को विजिट कर रहे हैं, पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं, उनको थोड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान का माहौल अब बेहतर हो रहा है दिन ब दिन, जो मेरी मुझे लगता है। अब पाकिस्तान के अब जैसे लोग इमरान खान को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन उसने बहुत बेहतर कर दिया एक तरह से पाकिस्तान को देखा जाए तो, लोगों को एक तमीज़ आ गया। अगर हम इंटरनेशनली ग्लोबली देखें तो पाकिस्तानी और इंडियंस को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता इंटरनेशनल लेवल पे, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे कोई एक खास रीज़न तो है नहीं, आपको ये भी पता है कि लाइक इस अगर हम देखें तो पाकिस्तान को किस लेवल पे कंसिडर किया जाता है ये भी हम देखते हैं। तो जैसे मैंने अभी मतलब कि मैं वही सोच रही थी कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज़ बेसिकली अ डेवलपिंग कंट्री, और उसकी वजह से जाहिर सी बात है पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग रिलेशंस के लिए आगे वो करना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग बाहर जाते भी हैं, जॉब भी करते हैं, बट देर स्टिल कंसिडर्ड इंफीरियर। एक रीज़न इसकी ये आ जाती है, दूसरी रीज़न ये कि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड लाइक इट शुड हैव बीन उस तरह नहीं है जिस तरीके से हमारे कायदे आज़म ने एक चीज़ को सोचा था, एक ताबीर उसकी की गई थी अल्लामा इकबाल के ख्वाब की। तो पाकिस्तान खुद अपने उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर उस तरीके से नहीं उतरा ना, हमारे गवर्नमेंटल इश्यूज इतने हैं, सोशल इतने हैं, पॉलिटिकल इश्यूज इतने हैं, और अगर हम देखें तो और बहुत सारे इश्यूज हैं। आपको लगता है इसमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स का हाथ होता है जो कि पाकिस्तान के खासे स्ट्रॉन्ग नहीं है? बेसिकली होता है, क्योंकि पाकिस्तान अगर हम देखें तो हम लोग के पॉलिटिकल सिस्टम, अगर हम देखें फॉरेन पॉलिसीज भी हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम लोग को यही नहीं पता कि हम लोगों ने किस टाइम पे किधर जाना है, किस टाइम पे हम लोगों ने किस से बात करनी है और किस टाइम पे हमें किसकी एग्जिस्टेंस। ये लड़की फ्यूचर में आके अच्छी पॉलिटिशियन बन सकती है, बिकॉज उसके जो थॉट्स हैं वो मुझे काफ़ी अच्छी जरूरत है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल तो हमारी गवर्नमेंट का आ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से देखा जाए तो, अगर सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है बेसिकली बाहर, अगर आप ग्लोबली देखें ना तो टैलेंट की बेस पर किया जाता है। अब अगर हम ये कह सकते हैं कि इंडियन हमारे से ऊपर हैं तो उसका एक रीज़न है क्योंकि उनके पास एक आइडल्स हैं जिनको वो अचीव कर रहे हैं। आप गूगल के बड़े बड़े CEOs देख लें, डिफरेंट देख लें, उनके पास एक आइडल्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं और उस लेवल के ऊपर वो जाना चाह रहे हैं। हमारे पास कुछ आइडल्स नहीं थे जिसकी कमी थी हमारे लिए। अच्छा, और क्या वजह है कि इंडियंस को वो लोग इतना ज़्यादा जो है अच्छे ओहदों पर फाइज किया हुआ, उन्होंने इंडियंस इतनी तरक्की करें दूसरे ममालिक में जाकर, ऐसी क्या बात है उनके अंदर? क्योंकि वो अपनी मिनॉरिटीज़ को भी उतनी ही वैल्यू देते हैं जितने वो अपने उसको देते हैं रिलीजन को, उतनी वो मिनॉरिटीज़ के साथ भी अच्छे से रहते हैं, लाइक वो वुमेंस को आगे प्रमोट करते हैं और यही। उनके हार्डवर्क के हवाले से क्या कहेंगी? हार्ड वर्किंग तो है वो। अगर हम मेहनत को देखें तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी या इंडियंस? इस बार के जितने भी लोग आए हुए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा देख के लग रहा है कि सारे के सारे काफ़ी पढ़े लिखे हैं एंड सबके बात करने का तरीका, आंसर देने का तरीका बहुत सही, वरना कई बार मैंने इनके वीडियोस पे रिएक्शन दिया है एंड इस तरह की उठपटांग बातें लोग करते हैं कि मतलब हंसी निकलती, बट इस बार ही नो डाउट काफ़ी सही इन्होंने पीपल चूज़ किए हैं अपने वीडियो के लिए।
पाकिस्तानी भी करते हैं लेकिन एक पॉइंट पे आके ना पाकिस्तानी रस हो जाते हैं, बस हो जाते हैं उनकी, बस बस हो जाती है ये तो वो इतना जो है ना हमें मतलब लाइक शुरू से ही ऐसे माहौल में पड़े हैं कि घर वाले कहते हैं नहीं बस ठीक है तो ठीक है बस। फीमेल्स को तो पढ़ाया यहाँ पे इसलिए जाता है कि कल को अच्छा रिश्ता आ जाए, नो रीजन अदर देन दैट। जी बिल्कुल यही चीज़ होती है कि अगर डिग्री होगी तो लड़का अच्छा मिल जाएगा, रिश्ता अच्छा आ जाएगा, अच्छी गवर्नमेंट जॉब वाला मिल जाएगा। अब मेरे बाबा की खुद गवर्नमेंट जॉब है उनकी यही सोच है किनकी नहीं, मेरे घर पे ये सोच है लाइक मुझे उन लोगों ने कहा हुआ है कि जो मर्जी है करो। मैम इसकी बेसिकली एक वजह तो ये है कि जब हम वहाँ जाते हैं एक तो हम अपने रिलीजन के बहुत क्लोज हैं, ठीक है, रिलीजन की बेसिस के बाद हमें जो है ना ये फील होता है कि हम वहाँ पे जो राइट्स हैं इक्वल नहीं मिलते। दूसरा कुछ हमारी अपनी हरकत हैं, ठीक है, जैसे कुछ लोग जाते हैं वहाँ जाके जिस मकसद के लिए स्टडी वीज़े भी गए हैं वो स्टडी करना छोड़ देते हैं वहाँ, सिर्फ उन्होंने काम करना, सिर्फ पैसा कमाना, हमारा मकसद सिर्फ एक होता है पैसा कमाना, ठीक है, एक ये भी रीज़न है। और एक और रीज़न है कि हम जब भी वहाँ जाते हैं मतलब वहाँ के रूल्स ब्रेक करते हैं, पाकिस्तान में हमें पता है हम कोई रूल फॉलो नहीं करना, अपनी मर्जी से काम करना, जब हम ये चीज़ें वहाँ फॉलो नहीं करते इन सब चीज़ों से हट जाते हैं तो वो फिर इस वजह से हमें इतनी इज्जत नहीं देते कि यार ये पाकिस्तानी है ये तो फ्रॉड है, इनका एक ही काम है धोखा देना, इसकी इमेज हमारी क्रिएट हो चुकी है और ये हमने ठीक करनी है तो ये हम पे डिपेंड करता है, ये वजह है मेरे ख्याल। और ऐसी क्या वजह है कि इंडियंस को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, इंडियंस को इतने ज़्यादा राइट्स दिए जाते हैं फॉरेन कंट्री? एक तो ये उनकी गवर्नमेंट का भी है, उनकी गवर्नमेंट के जो है उनकी गवर्नमेंट से अच्छे रिलेशंस हैं, ठीक है, उसके बाद वो जो है वो खुद को प्रॉपर हर चीज़ में वेस्टर्न की तरह डाल रहे हैं, ठीक है, ये बेसिस है मेरे ख्याल में यही वजह। ऑन अनदर हैंड साइड इफ यू सी इंडियंस, तो इंडियंस जो है वो बहुत अच्छे ओहदों पर फाइज हैं दूसरे ममालिक में, उनको बहुत अच्छा जो है ना प्रमोट किया जाता है, इसकी क्या वजह है? उनके अंदर रिलीजन फोबिया नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है, ऐसी क्या रीजंस हैं कि वो लोग इतना ज़्यादा आगे आ रहे हैं? Firstly, they all of whoever Indian I have seen up, even we can take example from the cricketers as well, their English, they are, you know, they look literate, they sound literate, they are way better than Pakistani. I conclude here, I might be saying some harsh word right now, but I believe ke haan, Indians, they know where to put themselves first when it comes to literacy. वहाँ पे आई हैव बीन लुकिंग फॉर इन अ डॉक्यूमेंट्री एज वेल के कुछ गरीब इंडियंस भी हैं बट दे आर हाईली एजुकेटेड, वहाँ पे आप छोटे छोटे ऐसे आप लोग नज़र भी आएंगे एंड दे आर स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, तो that's a difference. I believe ke this could be one of the reason. Achha, on another hand side, in future, aapko kya lagta hai ki Pakistan kin cheezon ko groom karke, improve karke, globally apna ek achha naam bana sakta? Literacy rate or the rules they must be followed on time, on point. Aur agar hamari government thoda sa dekh le ke if someone is not following the rule, kyunki yahan corruption itni zyada hai ki at times कोई बंदा रूल फॉलो नहीं कर रहा तो 500-1000 रुपए पकड़ा दिया पुलिस को तो दे गुड रिश्वत या एग्जैक्टली, तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस आई बिलीव के लोगों को चेक एंड बैलेंस ज्यादा रखना चाहिए ताकि पहले अपनी सिविलाइजेशन होगी तो हम बाद में कंपेयर कर सकें। इंडियंस को इतना ज्यादा वैल्यू किया जाता है फॉरेन कंट्रीज में, जैसे कि आप देखें गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई इंडिया से, फेसबुक का सीईओ इंडिया से, चैनल की जो है फीमेल सीईओ बनी है इंडिया से, और ना सिर्फ इतना ही बल्कि ट्विटर तक का सीईओ इंडिया से है, वेयर एक्चुअली पाकिस्तान एग्जिस्ट्स। पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर ही रहते हैं, इसके अलावा कहीं जा नहीं सकते, लेकिन अब पाकिस्तान को काफ़ी हद तक ऊपर लाया जा रहा है, अगर पाकिस्तानी इसी तरह ही लगे रहे अपने आप को, लेकिन जाते हैं पाकिस्तानी भी बाहर जाते हैं लेकिन सिर्फ डॉलर कमाने, हाँ वो डॉलर कमाते हैं वो वापस आ जाते हैं, वो छोड़ देते हैं काम करना, अगर पाकिस्तानी एक जगह स्टेबल होकर काम करते रहे ना पाकिस्तान से मैं नहीं समझता कोई बेहतर कौम हो रहा है। कंसिस्टेंसी नहीं है पाकिस्तान, बिल्कुल उनको 2-4 डॉलर मिल जाते हैं पाकिस्तानी सब छोड़ के वो आके पाकिस्तान में सेट होना चाहते हैं, वो बाहर नहीं रहते, वो पाकिस्तान में आके फिर कहते हैं कि हम पाकिस्तान में बिजनेस करें। अनदर हैंड साइड इफ यू सी इंडियंस, तो इंडियंस जो है वो क्या कौन सी ऐसी चीज़ है उनके अंदर, कौन सा ऐसा करंट है उनके अंदर कि हर जगह छाए हुए हैं, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबली उनको बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है कंपैरेटिवली पाकिस्तान वाई? अगर हम देखें तो अभी फ़िलहाल इंडिया इसलिए इंटरनेशनली इतना ज़्यादा मकबूल भी कह सकते हैं, पॉपुलर भी है, तो हम देखें तो इंडिया के टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है विद अदर कंट्रीज़, ठीक है, चाहे वो हमारा UN है चाहे वो हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया के टाइज आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, और अगर हम देखें तो इंडिया के साथ देयर आर मेनी इंटरनेशनल कंपनीज दैट आर वर्किंग। एक मेन रीज़न है कि इंडिया का जो रिस्पेक्ट है वो अदर कंट्रीज़ में जाता है, बिकॉज पिछले कुछ सालों से इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है अपने बाकी देशों के साथ, जो भी उनके रिलेशनशिप है उनके ऊपर बहुत मेहनत की है, इस वजह से अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिया को इनवाइट करती हैं, वहाँ पर इंडिया की काफ़ी तारीफ होती है, ये एक मतलब मेन रीज़न है। तो अगर इंडिया
को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते देन इट डजंट रिमेन सेम फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया। फिर उसके बाद तो उन दोनों को इक्वली ही, जबकि अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑन द सेम लेवल, ठीक है, और उनके सोशल इश्यूज़ सेम है। अगर हम देखें डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ भी है, वहाँ भी है, इधर भी, लाइक देयर इज़ नो ह्यूमैनिटी उस तरह से जिस तरीके से सेम थे, बट नाउ दे आर क्वाइट डिफरेंट। नाउ वी आर क्वाइट डिफरेंट, लाइक अगर हम देखें तो अभी भी देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस, बट देयर इज़ डिफरेंस। क्यों? क्योंकि दे हैड बेटर रिलेशनशिप्स देन पाकिस्तान। एग्जैक्टली। अच्छा, ऑन अनदर हैंड साइड, आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान इस चीज़ को किस तरह से ज़्यादा बेहतर कर सकता है? पाकिस्तान इसको सिर्फ एक तरीके से ही बेहतर कर सकता है, दैट इज़ मेकिंग इटसेल्फ पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग। अपना रिप्रेजेंटेशन बाहर के मुल्क में उस तरीके से की जाए कि हम एक्सेप्टेबल हों। लगता है कि इन सारी चीज़ों को करने से आने वाले टाइम में पाकिस्तान को भी उसी तरह प्रमोट किया जा सकता है इंटरनेशनल, ग्लोबली जो है ना, इंटरनेशनल लेवल पे उसी तरह पाकिस्तान भी आगे जा सकता है? अगर हमारी यूथ मेहनत वगैरह करे तो फिर तो जा सकता है, अदरवाइज जो हालात हमारे और स्टूडेंट्स के चल रहे हैं, एज अ स्टूडेंट मेरे भी कोई अच्छे हालात चल ही नहीं रहे, तो फिर पाकिस्तान आगे नहीं जा के पूरी दुनिया पे इस वक्त इंडिया छाया हुआ। इंडिया ने शुरू से ना अपने आप को अमेरिकन वगैरह के लेवल पे रखा था ताकि उनके हिसाब से काम करते थे, अपने हिसाब से नहीं देखते। पाकिस्तानी करते हैं सबकी कॉपी, वो कॉपी पूरा कॉपी भी ठीक से नहीं कर पाते, कॉपी नंबर वन कभी आ नहीं सकती, वो बनना चाहते हैं रेप्लिका बन जाते हैं, लेकिन वो कोई फायदा नहीं उनका तरीके से नहीं। वी आर हेल्पलेस और हम लोगों को हेल्प चाहिए। वी शुड गो आउट विद आवर ओन आइडेंटिटी इंस्टेड ऑफ आस्किंग हेल्प। हेल्प तो जाहिर सी बात है, when we exist in a universe or ya phir agar hum we exist globally to uske liye hame allies chahiye, hum logo friends chahiye, zahir si baat hai hamara friends ke bagair jaise hum normal insano ka bhi nahi guzara, to is tarah there is no survival of states too, right? To uske liye zaruri hai that there should be some political intervention aur is yahi cheez jo hai ye strong kar sakta hai. Government plays rules, civilization and people, they have to follow it. If they are not following it, government ko chahiye unko bar bar push kare to follow it. So I cannot blame either government either civilization, it's a both way thing. So we cannot conclude a decision ki awam kharab hai, hukmaran kharab, dono hi बहुत माशाल्लाह के, हाँ एग्जैक्टली, दे बोथ ऑफ देम आर प्लेइंग गुड। तो इन फ्यूचर हमें इस चीज को बेटरमेंट के लिए हुकूमत और आवाम दोनों पर फोकस, एग्जैक्टली, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, देर आर अ लॉट ऑफ वेज, देर आर अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स टू पुट थिंग्स फॉरवर्ड आवाम के दिमाग में भी और हुकूमत के दिमाग में भी। लव स्टोरी से बाहर निकल के थोड़ा मॉरल वैल्यूज पे भी बात करनी चाहिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ट्रू दैट। बट आई सी अ लॉट ऑफ, इवन इन पाकिस्तानी इंडस्ट्री, पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ drama serials, TV videos, and yeah, exactly, only promoting on love, boyfriend, girlfriend shit. I don't believe that. I feel like people must talk about, there are a lot of topics to talk about, so yeah, we should focus on that as well. Thank you so much. Okay guys, so ye tha mera reaction why the world respect India but not Pakistan. Acha, aaj ka jo video hai mujhe kafi pasand aaya, inka video, apni baat nahi kar rahi hu main. रीज़न यह है कि जितने भी पीपल्स थे जिनका उन्होंने रिव्यू लिया था, रिएक्शन लिया था इस चीज़ के ऊपर कि क्यों पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया को प्यार मिलता है बाकी कंट्रीज़ में, और सबके जो पॉइंट ऑफ व्यू थे बिल्कुल सही थे। कुछ मेन चीज़ें जो सबके साथ थी जो थे कि अदर कंट्रीज़ के साथ हमारा जो पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा है। देन दूसरा था कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो बड़े बड़े ऐसे कंपनीज हैं, उनमें हमारे इंडियंस काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। थर्ड ये था कि पढ़ाई लिखाई, देखो बात ये है कि अगर इनको देखा जाए, अगर इस वीडियो में, तो इसको देख के मैं कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में भी गर्ल्स काफ़ी आगे जा रही, क्योंकि उनका बात करने का तरीका, किस तरह से वो बात करती, उनकी इंग्लिश देखो, मतलब हर चीज़ एकदम सही जगह पर थी। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वहाँ के सभी लोग बुरे हैं या हमारे यहाँ के सारे लोग अच्छे हैं, देखो हर जगह पे इस तरह के लोग मिलते हैं, बट हाँ उन सब लोगों का पॉइंट बिल्कुल सही था। तो गाइस ये था मेरा रिएक्शन इस वीडियो के ऊपर, होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट दी लाइक बटन एंड नीचे व्लॉग का लिंक भी दिया है, वो भी देखते हुए जाइएगा। तो मिलती हूँ गाइस आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।